सो है गाइस, दिस कमिल एंड यू आर वाचिंग के प्रोडक्शन यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो पर मैं आपको एक ऐसा एप्लीकेशन दिखाया है, यानी कि फोटो वीडियो मेकर एप्लीकेशन, जिसके अंदर आप फोटो से वीडियोस एडिटिंग कर सकते हो, यानी कि ट्रेंडिंग फोटो वीडियो बना सकते हो। और कौन सा वो वीडियो एडिटर एप्लीकेशन है, किस तरीके से आप उसके अंदर वीडियोस क्रिएट कर सकते हो, सारा चीज़ मैंने आपको इस वीडियो पर दिखाया है। और ये काफ़ी जो है इंफॉर्मेटिव वीडियो है और काफ़ी यूजफुल वीडियो है, तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ वीडियो को एंड तक देखने के लिए, और जल्दी से हम अपना वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, तो आप देख सकते हो मैं आ चुका हूँ अपने मोबाइल की स्क्रीन पर, और आपको स्क्रीन पर वीडियो एडिटर दिखाई दे रहा है। ये एक फ़ोटो वीडियो मेकर एप्लीकेशन है, और ये एक बिल्कुल प्रॉपर वीडियो एडिटर भी एप्लीकेशन है, क्योंकि आप इसके अंदर वीडियोस भी एडिटिंग कर सकते हो, ठीक है। और आप इसके अंदर बहुत इजी वे में प्रोफेशनल फ़ोटो वीडियो क्रिएट कर सकते हो। तो इस वीडियो एडिटर का नाम क्या है सबसे पहले वो हम जान लेते हैं, और इसको आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो मैं आ जाता हूँ अपनी होम स्क्रीन पर, तो आपको स्क्रीन पर इस वीडियो एडिटर दिखाई दे रहा है। इसका नाम है फिल्मोरा गो वीडियो एडिटर। इसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, और इसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर भी दे दिया, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। सबसे इजीएस्ट वे में और सबसे प्रोफेशनली आप इसके अंदर फोटो वीडियोज एडिटिंग कर सकते हो। आपको बीट के साथ फोटो वीडियो ये ऑटोमेटिकली बना के दे देगा, आपको मैनुअली म्यूजिक बीट वगैरह ऐड करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप लिरिक्स के साथ फोटो वीडियो बनना चाहते हो तो भी आप कर सकते हो। अगर आप जस्ट ऐसे नॉर्मली इंस्टाग्राम रील्स के लिए फोटो वीडियो बनना चाहते हो तो भी आप कर सकते हो, यानी कि सभी तरह की क्या ट्रेंडिंग फोटो वीडियो एडिटिंग कर सकते हो इस वीडियो एडिटर के अंदर। तो इसके अंदर कैसे बनाना है अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हमें इसे ओपन कर लेना है। जैसे आप इसे ओपन करेंगे, इसका होम पेज पर आपको ऐसा इंटरफेस मिलेगा। उसके बाद आपको यहाँ पर काफ़ी सारा जो है टेम्पलेट मिल जाता है, इनमें से कोई भी टेम्पलेट पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। जैसे कि इस टेम्पलेट पर हमने क्लिक किया, उसके बाद आप देख सकते हो लिरिक्स के साथ आप फोटो वीडियो एडिटिंग कर सकते हो इसके अंदर कुछ इस टाइप का। उसके बाद आप इस तरीके से स्लाइड करेंगे राइट साइड की तरफ, आपके पास दूसरा ट्रेंडिंग फोटो वीडियो का जो है टेम्पलेट आ जाएगा, आप इसे यूज़ कर सकते हो। मैं अभी यूज़ करना भी आपको सिखाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको जो है सबका जो है प्रीव्यू दिखा देता हूँ, एक ओवरव्यू दे देता हूँ, ताकि आपको एक अंदाज़ा हो जाए कि आप किस लेवल का फ़ोटो वीडियो एडिटिंग कर सकते हो, ठीक है। सो आप देख सकते हो, और मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ दिखाता हूँ। मैंने थंबनेल पर ये वाला टेम्पलेट यूज़ करके उसका फ़ोटो लगाया था, ठीक है। तो मैं इस टेम्पलेट को यूज़ करके दिखाऊँगा। तो हमें क्या करना है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद मुझे ये वाला अच्छा लग रहा, हो सकता है आपको कोई दूसरा अच्छा लगे, ठीक है। सेम प्रोसेस है, सेम टेक्निक है, ठीक है। आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है मेक वीडियो, सिंपली मेक वीडियो पर क्लिक करना है। मेक वीडियो पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है, यहाँ पर लिखा हुआ मिलता है प्लीज़ ऐड 7 क्लिप्स, ठीक है। यानी कि हमें बोल रहा है कि हमें 7 पिक्चर्स को सिलेक्ट करना है, ठीक है। 7 डिफरेंट फोटोज़ को आपको सिलेक्ट करना है। आप सेम पिक्चर को 7 बार चाहो तो सिलेक्ट कर सकते हो, या आप चाहो तो डिफरेंट पिक्चर सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर मिलता है ऑल, आपको ऑल से फोटो पर क्लिक करना है। फोटो पर क्लिक करने के बाद ऊपर में मिलता है ऑल पिक्चर्स, आपको ऑल पिक्चर्स पर क्लिक करना है। ऑल पिक्चर्स पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एक फोल्डर सिलेक्ट करना है, जिस फोल्डर के अंदर आपका जो है पिक्चर्स रखा हुआ है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, अपना जो फोल्डर है उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं देख लेता हूँ कि हमारा जो फोटोज़ जो कौन से फोल्डर के अंदर रखा हुआ है, तो ये वाला फोल्डर के अंदर आई थिंक रखा हुआ है, तो हमने इसको सिलेक्ट किया। उसके बाद यहाँ से हम एक एक करके पिक्चर सिलेक्ट करेंगे, फ़ोटो पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ से इस टाइप का मैं फ़ोटो सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर 2 पिक्चर मैंने सिलेक्ट किया, उसके बाद 3 पिक्चर मैंने सिलेक्ट किया, एंड यहाँ पर हमने जो है ये जो एक और पिक्चर हमने सिलेक्ट किया, उसके बाद इसको भी सिलेक्ट कर लेते, और उसके बाद यहाँ पर इसको भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। एंड यहाँ पर हमारा जो है फ़ोटो सिलेक्ट हो चुका, आप देख सकते हो 7 पिक्चर नीचे आपको दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो उसके बाद क्या करना है, आपको यहाँ पर नेक्स्ट का ऑप्शन मिलता है, सिंपली नेक्स्ट पर क्लिक करना है। एंड नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कितना बेहतरीन लेवल का हमारा जो है ट्रेंडिंग फोटो वीडियो बन के तैयार हो चुका है। आप कह सकते हो फोटो वीडियो यहाँ पर एडिटिंग हो चुका है। मैंने आपको कहा है ना कि आप सबसे ईजिएस्ट वे में इसके अंदर ही फोटो वीडियो एडिटिंग कर सकते हो, और विदाउट वाटरमार्क एडिटिंग कर सकते हो। आपको यहाँ पर कहीं पर भी वाटरमार्क नहीं शो हो रहा है, लेकिन आपको क्या करना है, इसे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं करना। आप चाहो तो इसे गूगल से डाउनलोड कर सकते हो। गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड ना करके आप इसे गूगल से डाउनलोड कर लेना। अगर आप गूगल से डाउनलोड करते हो तो आपको इसके अंदर वाटरमार्क नहीं मिलेगा, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर आपको म्यूज़िक वगैरह ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, इसके साथ ऑलरेडी म्यूज़िक लगा हुआ है। यानी कि जो भी टेम्पलेट आप यूज़ करेंगे उसके अंदर ऑलरेडी म्यूज़िक लगा हुआ है, तो आपको म्यूज़िक लगाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो अभी क्या करना, हमें इस वीडियो को सेव कर लेना अपनी गैलरी में। इसके लिए आपको यहाँ पर राइट साइड के कोना पर एक्सपोर्ट का ऑप्शन मिलता है, एक्सपोर्ट पर क्लिक करना है।
एक्सपोर्ट पर क्लिक करने के बाद ये कुछ इस तरीके से जो है सेव हो चुका है आपकी गैलरी पर। अभी आप इसे जहाँ पर भी शेयर करना चाहते हो यानी कि अपलोड करना चाहते हो वहाँ पर आप अपलोड कर सकते हो। तो कुछ इस तरीके से आप इजीएस्ट वे में फोटो वीडियो एडिटिंग कर सकते हो और सभी टेम्पलेट को आप इस तरीके से देख सकते हो यूज़ करके। और आप देख सकते हो इस टाइप का जो है काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है आजकल, तो आप इस तरीके से इस टाइप का जो है वीडियोज एडिटिंग कर सकते हो। मैं आपको दिखा देता हूँ, सो आपको ये जो दिखाई दे रहा है आप इसके अंदर देख सकते हो इस टाइप का इंस्टाग्राम रील्स पर आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है इस टाइप का एडिटिंग। सो आप इस टाइप का वीडियोस भी बना सकते हो और साथ में आपको जो भी ट्रेंड में चलता है इंस्टाग्राम रील्स पर वो सारा टेम्पलेट आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। सो आपको काफ़ी सारा फायदा होगा अगर आप इस वीडियो एडिटर को यूज़ करते हो तो। और आप इसके अंदर ऐसे नॉर्मली भी वीडियो एडिटिंग कर सकते हो, लाइक इंस्टाग्राम रील्स का स्लो मोशन हो या कोई इफेक्ट वीडियो या सही की इफेक्ट हो, या आप यूट्यूब वीडियोज़ को भी एडिटिंग कर सकते हो। तो ये था आज का हमारा वीडियो। अगर आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, साथ ही साथ आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो।